दोस्तों, वैसे तो हम सभी डेटा कंप्रेशन को यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि डेटा कंप्रेशन क्या है और ये कैसे काम करता है? अगर आप इसी बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो गिव अवे कॉन्टेस्ट है टेक्निकल गुरुजी और tinydeal.com की तरफ से, वो अभी भी चल रहा है। 8 फरवरी उसकी लास्ट डेट है। आप नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, उसके लिंक पर जाकर आप एंटर कर लीजिए और आपको वहां पे एक LETV 1S स्मार्टफोन जीतने का मौका मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डेटा कंप्रेशन होता क्या है। तो देखिए, डेटा कंप्रेशन बेसिकली एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम कोई भी हमारा डेटा है उसको हम कंप्रेस करके छोटे साइज में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको हम ताकि इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकें, इजीली शेयर कर सकें, साइज कम होगा तो हम उसको इजीली ट्रांसमिट भी कर सकें और उसकी जो क्वालिटी है वो भी हम अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं कि वो कितनी खराब होगी या नहीं होगी या जो भी है। अब देखिए, डेटा कंप्रेशन दो टाइप्स का होता है। एक होता है लॉसलेस डेटा कंप्रेशन, एक होता है लॉसी डेटा कंप्रेशन। लॉसलेस का मतलब ये कि आपने डेटा को कंप्रेस तो लिया, लेकिन जब आप उसको बाद में वापस से ओपन करेंगे, जब आप उसको वापस से अपने फुल साइज में लेके आएंगे, तो उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा। ये हम काम में लेते हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनमें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मॉडिफिकेशन हो, कोई भी इंफॉर्मेशन का लॉस हो। हम चाहते हैं कि वो जो फाइल्स हैं वो वैसी की वैसी रहें, लेकिन उनका साइज कम हो जाए। जो दूसरा होता है वो होता है लॉसी। लॉसी का मतलब ये है कि डेटा कंप्रेस तो हो जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं थोड़ा लॉस होगा। ये हम काम में लेते हैं अक्सर ऑडियो, वीडियो या म्यूजिक वगैरह में, जिसमें हमको क्वालिटी अगर थोड़ी बहुत 19-20 होगी तो हमको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको उनका साइज काफी कम करना होता है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉसलेस डेटा कंप्रेशन की। तो देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि एक इक्वेशन मैंने आपके लिए लिखी मैथ्स की, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 पांच बार। अब आप देखेंगे कि ये कितनी बड़ी इक्वेशन है, इसको मेरे को लिखने के लिए कम से कम एक लाइन का मेरे को यूज करना पड़ रहा है। इसी को अगर मैं छोटा करूं और अगर मैं सीधा लिख दूं 3 की पावर 5, बहुत इजी है, सिर्फ 2 डिजिट से मेरा काम बन गया और जो मतलब निकला वो वही निकला। तो डेटा कंप्रेशन बेसिकली इसी तरह की टेक्निक्स को फॉलो करता है जिसकी मदद से आप बिना मतलब चेंज किए उसी चीज को छोटा कर दें ताकि आप उसको स्टोर कम जगह में कर पाएं, आप उसको आसानी से ट्रांसमिट कर पाएं और इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी वैसे की वैसी रहे। तो लॉसलेस डेटा कंप्रेशन में क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर में जो भी डेटा है, जो भी स्टोरेज है, जो भी सब कुछ जो काम हो रहा है कंप्यूटर का, वो सारा का सारा होता है बाइनरी नंबर्स पे, यानी कि 0 और 1 पे। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास में एक फाइल है और उसमें जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से है 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1। अब ये जो है ये 10 डिजिट्स हैं, ये 10 बिट्स हैं बेसिकली। तो 10 बिट्स आपको चाहिए अगर किसी फाइल में ये सब है उसको स्टोर करने के लिए। अब इसको हम छोटा कैसे करें, अगर हम हमारा एग्जांपल लगाते हैं जो हमने लगाया था 3 के मल्टीप्लिकेशन में, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 4, 0 की पावर 3 और 1 की पावर 4, यानी कि हमने 6 डिजिट्स के अंदर हमने इसको कंप्रेस कर लिया और हमारा जो कंप्रेशन था वो हो गया 10 से घटके 6, यानी कि 40%। लेकिन हम कंप्यूटर्स में नॉर्मली हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पावर लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो वापस से वो आपको अलग अलग चीजें चाहिए होंगी, 4 को आपको वापस बाइनरी में लिखना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। हम इसको और सिंपल करते हैं, मान लीजिए। तो हमने क्या किया, हमने ये बोला कि जितनी बार 1 आ रहा है हम उसको एक नंबर में लिख देंगे, जैसे डिजिट चेंज होती है 0 होता है तो हम उसको 0 की पावर बना के लिख देंगे। अगर मैं इसको लिख देता हूं 4, क्योंकि 1 4 बार आया है, उसके बाद में लिखता हूं मैं 0 की पावर 3, यानी कि 0 3 बार आया है, उसके बाद में वापस 4। तो इसका मतलब ये कि 4 0 की पावर 3 और 4, यानी कि सिर्फ 4 डिजिट्स मेरी काम में आई और मैंने उन 10 डिजिट का जो मतलब था वो मैंने लिख दिया, यानी कि जो डेटा कंप्रेशन था वो हो गया 60%। दोस्तों, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं आपको बताने के लिए, क्योंकि इसका जो कोड है, जो आपको पता है कि मैंने किस कोड से इसको छोटा किया है, मतलब मैंने इसमें क्या लॉजिक लगाया है कि मैं 1 पे क्या करूंगा, 0 पे क्या करूंगा। अब अगर आपको एक कोड पता है तो आप इसको वापस से डिकम्प्रेस भी कर सकते हैं, आप इसको वापस से एक्सपैंड भी कर सकते हैं, और जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको वापस से मिल जाएगा 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1। इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो वैसे की वैसी है, उसमें कोई भी लॉस नहीं हुआ और आपका जो डेटा था वो भी आपने कंप्रेस कर लिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक एग्जांपल था, एक्चुअली ऐसे बहुत बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, बहुत बहुत सारे जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो वो सब इसी काम में लगे होते हैं कि वो कैसे कुछ नया डेवलप कर सके जिससे उनका डेटा थोड़ा सा और कंप्रेस हो जाए बिना इन्फॉर्मेशन को वेस्ट किए। तो ये जो था दोस्तों, ये था लॉसलेस कंप्रेशन। ये एक सिर्फ एग्जांपल, मेथड्स जो है रियलिटी में अलग होते हैं, लेकिन आपको एक आइडिया मिला कि किस तरीके से हमने डेटा को छोटा किया और बिना हमने उसका जो ओरिजिनल कंटेंट था उसको चेंज किए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लॉसी डेटा कंप्रेशन की। तो देखिए, लॉसी का मतलब ये कि कंप्रेस होगा लेकिन लॉस भी होगा। फॉर एग्जांपल, अभी आप मेरी इस वीडियो में देख रहे हैं कि मैं हिल रहा हूं, लेकिन जो साइड का फ्रेम है, जो टीवी है, दीवार है, वो स्टैटिक है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जब आप वीडियो की एडिटिंग करते हैं तो वीडियो मान लीजिए 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर रिकॉर्ड किए, यानी कि 1 सेकंड में 30 फ्रेम्स हैं। आप सिर्फ किसी एक फ्रेम को पकड़िए
और आप बैकग्राउंड को पूरी वीडियो में कॉपी कर दीजिए, वो बैकग्राउंड चेंज ही नहीं हो रहा है, वो सिर्फ एक फ्रेम है। तो ऐसे में आपने बाकी जितने भी फ्रेम थे, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है साइड में जो वेस्ट है, आपने उसको कंप्रेस कर लिया और आपका डेटा कंप्रेस हो गया। या फिर मान लीजिए कि वीडियो जो थी उसके अंदर जो बिट रेट है, यानी कि जो आपको कलर डेप्थ देखने को मिल रही है कि हाँ ठीक है आपको ये कलर बारीक बारीक दिख रहा है या जो भी है, अगर आपने उसको थोड़ा सा कम कर दिया तो आपको कलर्स में थोड़ा सा फर्क लगेगा कि हाँ यार इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो डेटा कंप्रेशन है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से हम ऑडियो के अंदर भी बिट रेट को कम कर सकते हैं। फोटोज में फॉर एग्जांपल अगर हम व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे फोटो शेयर करते हैं तो आपने चाहे कितने भी हाई मेगापिक्सल वाले कैमरा से ली हो, फेसबुक या व्हाट्सएप उसको ऑटोमेटिकली कंप्रेस कर देता है, जिससे वो एक कंप्यूटर या एक मोबाइल की स्क्रीन पर तो अच्छी लगती है, लेकिन आप ज्यादा जूम करते हैं तो आपको क्या होता है क्वालिटी वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो पिक्सल्स को कंबाइन कर देता है। अगर एक फोटो है 20 मेगापिक्सल की तो वो उसको कर देगा चाहे 1 मेगापिक्सल, तो आपको अपने स्क्रीन पे ढंग की लगेगी लेकिन आप उसको जूम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो फोटो 5 एमबी की थी वो घटके हो जाएगी 5 केबी की। दोस्तों ये जो टेक्निक्स थी ये थी डेटा कंप्रेशन की, जिसमें हम बात करते हैं लॉसी और लॉसलेस की। आपको पता है कि दोनों किस जगह पे काम में आते हैं और क्यों काम में आते हैं। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको आप जरूर से लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोज लेके आता रहता हूँ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।